प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान हेतु की गई अपील के क्रम में जौनपुर DM अनुज कुमार झा के नेतृत्व में जिले के अधिकारियों ने सद्भावना पुल, लोहिया पार्क सहित कई जगह श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त विद्यालयों में प्रातः 10 बजे स्वच्छांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों एवं आसपास निवास करने वाले समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बापू को स्वच्छांजलि दी गई। BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने अपने अधीनस्थों से आह्वान किया कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और लोगों को जागरूक करें। DM अनुज कुमार झा ने जनपद वासियों से अपील किया है कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और अपने आसपास स्वच्छता रखे ताकि स्वच्छ भारत का सपना साकार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज 1 तारीख 1 घंटा जो श्रमांजलि अभियान था, महात्मा गांधी जी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने का आज प्रोग्राम था। 1 घंटा हर किसी को सफाई करनी थी, उसमें शासन से हमारे नोडल अधिकारी महोदय भी श्री राकेश कुमार मिश्रा जी, हमारे जौनपुर नगर पालिका की अध्यक्षा महोदय और हमारे सभी साथी अधिकारी और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पर आज स्वच्छता एक तरह से स्वच्छता का श्रमदान अभियान चलाया और हम सब लोगों ने किया। जैसे हम लोगों ने पहले रोडवेज बस अड्डे के पास, फिर लोहिया पार, फिर जो कृषि भवन का कैंपस है वहाँ पे, और फिर यहाँ पे गोमती नदी के किनारे घाट पे हम लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता का अभियान चलाया और सफाई किया। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर रहा। मैं समझता हूँ कि जितनी जागरूकता इससे फैलेगी वो आगे और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही जो लोग जैसे गंदगी जिनके हैबिट से फैलती है, जैसे गुटखा खाना या कोई भी जैसे जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है उसको यूज़ करके फेंक देना, तो ये जो जागरूकता बढ़ेगी तो हमारे जो लोग आज इस अभियान में, चूँकि गांव-गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में, हर जगह चल रहा है, तो जितनी जागरूकता फैलेगी उतनी ही ज़्यादा लोगों में ये टेंडेंसी भी कम होगी कि वो कोई भी वन टाइम प्लास्टिक यूज़ करके उसको फेंक देना या गुटखा खा के फेंक देना, तो इन सब को भी कम करने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ आगे चल करके स्वच्छता अभियान को इससे बहुत ही बल मिलेगा। सर, आज विभाग के निर्देश पे हमारे समस्त परिषदीय विद्यालय और कार्यालय में, वित्त लेखाधिकारी विंग ऊपर कार्यालय और नीचे BSA कार्यालय, EEO कार्यालय, सभी कार्यालयों में साफ़ सफाई 1 घंटा श्रमदान के माध्यम से हम लोगों ने संपन्न कराया और हमारे समस्त विद्यालय खुले रहे आज और सब सम्मानित अध्यापक बच्चे मिलके श्रमदान के माध्यम से 10 से 11 सफाई अभियान चला है। प्रभात फेरी निकली है विद्यालयों में और वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए मीठा खाद्य पदार्थ बांटा गया और इस तरीके से आज का कार्यक्रम 10 से 11 हम लोगों ने स्वच्छता पे समर्पित रखा। विद्यालय को क्या संदेश देना चाहते हैं सफाई के लिए? देखिए, स्वच्छता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा टर्म है जिसमें सभी लोग सामूहिक लोग से सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम केवल व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित होकर सोचते हैं अमुक जिम्मेदारी इसकी है, वो करेगा तभी ये रहेगा। सब मिलजुल के सम्मानित अध्यापक, पूरी टीम, अभिभावक, बच्चे, कार्यालय के समस्त कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग मिलकर जब स्वच्छता की जिम्मेदारी लेंगे तभी हम स्वच्छ भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे और भारतवर्ष को स्वच्छ बना पाएंगे।